सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि उनका हमेशा प्रयास रहता है कि हर गांव तक पहुंचकर नागरिकों की समस्याओं को सुना जाए और गांवों के विकास कार्यों का जायजा लिया जाए। उन्होंने ग्रामीणों से आग्रह किया कि वे गांव में विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्वक संपन्न करवाने में अपने अपेक्षित सहयोग दें। इसके अलावा विकास कार्यों में कहीं भी कमी नजर आती है तो वे उन्हें या विधायक देवेंद्र बबली को अवगत करवाएं। सांसद व विधायक ने ग्रामीणों की जन समस्याओं को ध्यान पूर्वक सुना और अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। इस मौके पर मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों को समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाली सभी विधानसभा क्षेत्र के गांवों, कस्बों व शहरों को विकास के मामले में अव्वल बनाया जाएगा। इस मौके पर विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने सांसद सुनीता दुग्गल का स्वागत करते हुए कहा कि टोहाना विधानसभा क्षेत्र को विकास के मामले में अव्वल बनाया जाएगा और टोहाना विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास कर क्षेत्रवासियों को समर्पित किया है। वहीं विधायक ने कहा कि कोरोना महामारी से नागरिक स्वयं बचे और दूसरों को भी इसके संक्रमण से बचाव के लिए अपना अपेक्षित सहयोग दें। नागरिक सरकार द्वारा समय समय पर जारी हिदायतों का पालन अवश्य करें। टोहाना से सुशील कुमार की रिपोर्ट। के जो विकास कार्य हैं उनका उद्घाटन है और इसके साथ साथ जो है पब्लिक से थोड़ा सा मिलने जुलने का भी था कि बहुत दिन हो गए कि कोविड में सब अपने आप को सभी संभाल के रखे हुए हैं कि नहीं, सब लोग जो है वो मास्क लगा के और सब तरीके से जो है वो सभी इंस्ट्रक्शंस का पालन कर रहे हैं कि नहीं, तो थोड़ा सा ये था। क्योंकि मैं जब से सांसद बनी हूँ उसके बाद से टोहाना के लोगों से मेरी मुलाकात हुई नहीं थी, तो एक ये बहाना भी हो गया कि विकास कार्यों का उद्घाटन है और इसके साथ साथ सबसे मिलना जुलना भी हो। एक मेरा पड़ोसी का बिल था, मेरा बिल तो लगभग 5-6 हज़ार रुपये आना था, एक बिल जो कि 409 रुपये दिया गया है, और मेरे पड़ोसी का बिल 78,000 का, वो ठीक करवाया फिर 15,000 का दे दिया, फिर गए 10,000 का दे दिया, वो बिल एक्चुअल 4-5 हज़ार का, उसको 78,000 का बना दिया। मैं आया तो था इसके लिए, मैं तो बिजली बोर्ड का रिटायर हूँ, मैं तो मेरा तो मैं करा लूँगा, मैं इस भाई के लिए आया था। तो अब क्या आश्वासन दिया जिन्होंने? ये SDO ने दलाल छोड़ रखे हैं, ये मैं SDO से मिलने गया।